बेरोजगारी क्या है और क्यों? तो बेरोजगार उसको कहते हैं जो 15 साल से 59 साल के बीच में है और वो अपनी इच्छा अनुसार उनको काम नहीं मिल रहा या योग्यता के अनुसार उसको कोई जॉब नहीं मिल रहा, तो वैसे व्यक्ति निराश हो जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो वैसे व्यक्ति को बेरोजगार के तहत माना गया है। उसका जनरली काम होता है खाना पीना सोना और घर में एक कांत में बैठे रहना। ऐसे व्यक्ति को तुम पहचान सकते हो, ये लोग बेरोजगार के अंतर्गत आते हैं। तो बेरोजगार होना कोई गुनाह नहीं है और उनको डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली इनके बहुत सारे कारण हैं। पहला कि तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट था उस प्रकार से तुम्हारा एजुकेशन नहीं हुआ। मशीनीकरण भी एक इसका बहुत प्रमुख कारण है, क्योंकि जैसे जैसे मशीनें ऑटोमेटिक होते जा रही है वैसे वैसे ह्यूमन के रिप्लेसमेंट, मतलब जहाँ 10 आदमी 20 आदमी काम करते थे वहाँ एक मशीन ही काफ़ी है। तो इस प्रकार से भी बेरोजगारी बढ़ रही है और आने वाले समय में बहुत ही अत्यधिक रूप से बढ़ेगी ही। तुम्हें काम करने में इंटरेस्ट ना हो, आलसी भी एक तरह से बेरोजगारी का कारण है। कर्म कर रहे हो किसी भी काम करने के लिए, तुम काम को छोटा या बड़ा मतलब आंकते हो। काम कोई भी हो, न्यूनतम मजदूरी 300 है, अगर तुम कर रहे हो तो तुम बेरोजगार नहीं हो, उसके आगे तुम बढ़ सकते हो 400, 500, 600 ऑन द बेसिस ऑफ योर मेहनत। तो एक तरह से उसको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलता है। अगर शुरू में उसको दिशा निर्देश मिल जाता, अच्छा गाइडेंस मिल जाता, तो वो सही रास्ता चुनता और शायद वो भटकता नहीं और बेरोजगार नहीं रहता। और सबसे मेन फैक्टर है तुम्हारा जनसंख्या की वृद्धि, खास करके इंडिया में अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन में टॉप पे है, इंडिया एक नंबर पे है। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए, हम लोग को ही देना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। अगर हम लोग अपने में जागरूकता लाए तो खत्म हो सकता है। छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ानी चाहिए, है ना, लघु उद्योग कुटीर उद्योग इत्यादि पर ध्यान देना चाहिए और भी कई चीज़ें हैं।